पाछे पवन तनय सिरुनावा पाछे जाउनी काज प्रभु निकट बोलावा पर सासी ससरो रूह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी प्रकार से तही समुझाए हो बहु कही बल बीर हनुमत जन्म सुफल करी माना चले हृदय धरि कृपा यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता चले सकल बन खोजत चले सरिता सर गिरि खो राम काज लीन मन विसरातन कर छो चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय बोलते हैं पाछे पवन तनय सिरुनावा। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पीछे निरभिमान, जब आगे जाने वालों की बहुत भीड़ हो तो पीछे रहने में क्या दिक्कत है, सबसे पीछे तो पहले ही भेंट हो चुकी है। बीच में भी हनुमान जी का चरित्र भगवान ने देखा ही देखा है। तो जानी काज देखो, ये सेवा कौन करेगा, इसका चुनाव तो ऊपर वाले लोग करते ही हैं, उन्हीं की नज़र में व्यक्ति हमेशा रहता है और इवैल्यूएशन होता रहता है और फिर मन में आता है हियर इज ए पर्सन। जो लोग भी काम जिनके पास भी है, बड़ा काम है,
तो वो अपने सेवा के लिए आदमी का चुनाव करते हैं, वो उसका जो पीछे से जो चला रहा है उसका कर्म उसका स्वभाव। तो जान काज प्रभु निकट बुलाया उनको, हनुमान जी को पास में। और ये देखिए हनुमान जी महाराज का भाग्य है, परसा शीश सरोरुह पानी, भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेर दिया। अब बोलो आप, जब जानकीनाथ सहाय करे तो मुहर लग गई। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया में एक चीज़ ये दिखाई देती है कि जो चीज़ हमको चाहिए वो मैं स्वयं नहीं ले सकता, उसको कोई न कोई देने वाला होता है। आप ध्यान से देखो, हमको प्रेम चाहिए मैं स्वयं नहीं ले सकता, कोई प्रेम दे तब मिले। हमको मान चाहिए अच्छा लगता है तो कोई दे तब मिलेगा, अपने आप मैं मान थोड़ा ले लूँगा। मुझे सेवा चाहिए हम ले नहीं सकते, नो, समबडी हैज टू चूज मी, ओनली देन आई विल गेट द सेवा। जो भी दुनिया में हमको चाहिए चीजें, आप ध्यान से देखो, वी रिसीव फ्रॉम समवन, वी कैन नॉट टेक इट बाय आवर सेल्फ। बहुत ही विचित्र मामला है। और इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि एक सच्चाई सामने आती है कि वी आर ऑल रिसीवर्स, nobody is chooser here। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चुनाव करने की जगह पर खड़ा हो, चाहे वो राष्ट्र की स्तर का सच हो चाहे वो घर के स्तर का सच हो। राष्ट्र के स्तर पर भी बहुत लोग तैयार खड़े होंगे सेवा के लिए, लेकिन किसको सेवा मिलेगी वो क्या बताऊं। सब व्यक्ति के साथ यही नियम लगा हुआ है, और तरीके से कहा जाए तो सेवा देने वाले भगवान ही हैं। और अगर ये बात समझ में आती है तो अगली बात भी समझ में आएगी कि फिर उनकी नज़र में हम सब हैं, कोई उनकी नज़र से बाहर तो है नहीं। और इसलिए जिसकी जैसी चाकरी है वो देखते ही रहते हैं ना, तो कोई नालायक नहीं। आखिर बानर सारे के सारे ही भगवान के सेवक हैं, लेकिन फिर हनुमान जी पर जो उनका नज़र पड़ी हुई है कब से, ये तो लीला चल रही है। सब सिद्ध लोग हैं लेकिन हम लोगों को तो सिखाने के लिए लीला करते हैं। हम कई बार मन में गुनगुनाते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए था ये मिला नहीं, हमको ये सेवा मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। और सेवा कहो पद कहो, है ना, ये रोल मुझको मिलना चाहिए था, मैं इतने दिनों से पार्टी का सदस्य हूँ, 35 साल हो गया 40 साल हो गया, ये 2-3 साल पुराना आदमी आकर के है? मैं बोलता नहीं कुछ, आप तो खुद जानते ही हो, फिर अब हम क्या बोलें। चाहने से थोड़ो कुछ होता है, देने वाले मालिक साहब, उनकी नज़र में कौन कहाँ खड़ा है उसको वैसी सेवा मिलनी है। जान काज प्रभु, ये जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि सबके साथ यही होता है, वही बुलाते हैं लाओ ये काम करो। हमको आपको जो जो सेवा जहाँ जहाँ मिली है उसका एक बार फिर से विश्लेषण करके देखिए, आपने लिया है कि आपको मिला है या मिला था। मिलता है फिर निकट बुलावा,
और अथराइज कर दिया, सिर पे हाथ फेरते हैं। परसा शीश सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, और मुद्रिका दे दी अपना जान के। जन मने होता है अपना, मानस में जन जानी मने अपना जान करके, दीन जानी उनको अपना जन जान करके अपनी मुद्रिका उतार के दी भगवान ने। ये तो निशानी थी। अब चले सब लोग, और आरंभ में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि अगर कोई संत मिल जाए तो घेर के पूछते हैं, और कोई निशाचर मिले तो उसको मार ही देते हैं, प्राण ले ही एक एक चपेटा। किंकर जी महाराज ऐसे बोलते थे इसको, कि जब यात्रा शुरू करता है, साधना शुरू करता है ना व्यक्ति, बड़े उत्साह में होता है, कोई संत मिले तो 15 प्रश्न जाके करेगा, और कोई विकार आए मन में तो उसको खत्म करना चाहेगा, और शुरू का उत्साह इतना है कि बिसरा तन कर छो, शरीर की सुविधाएं इतनी याद नहीं रहती हैं। लेकिन साधक लोगों याद रखो, लेकिन है ये क्या, कि जब सफलता मिलने में देर लगती है, टाइम लगता है ना, तब वो जो पहले वाला उत्साह था वो धीरे 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 डाउन, और तब याद आती है सुविधाएं शरीर। या पहले था बिसरा तन कर छो, बाद में शरीर याद आने लगता है कि अरे प्यास लगी है। हनुमान जी ने देखा, वो महाराज को प्यास नहीं लगी थी क्या? वो कहते हैं मुंह में राम राम करते रहते थे तो उनको प्यास लगी नहीं। हनुमान जी ने देखा, ये जितने दूसरे लोग हैं ये तो मरण चाहत सब बिनु जल पाना, इनके भीतर का जो साधक है अब ये तो मरना। देखो कोई सफलता मिलती रहती है ना थोड़ी बहुत तो उत्साह बना रहता है, सफलता दीर्घ काल तक न मिले तो उत्साह भंग होता है, और भीतर का साधक निराश होता है। कभी कभी मन में ये भी आने लगता है कि यहाँ कुछ है भी, या जबरदस्ती केवल बात ही बात करते रहते हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो लगता है कि ये सब मरने वाले हैं, तो इनको पानी पिलाना चाहिए। पहले तो कहाँ पिला मैं, कहीं पानी दिखता नहीं। तब हनुमान जी ऊपर चढ़े, तो कोई चढ़ने वाला भी चाहिए ऊपर, सभी मरना ही चाहते हो तो कैसे होगा। हनुमान जी ऊपर चढ़े, वहां से देखा एक कंदरा है खो, उसमें कुछ पक्षी पानी वाले आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कौन कौन है ये? चक्र बाक बक हंस उड़ाही, 3 तरह के पक्षी आते जाते हैं। ये चक्रवाक है, ये सदगृहस्थ है, सकामी है, बगुला है महाराज ये ढोंगी है, और हंस है बोले ये जिज्ञासु मुमुक्षु है, ऐसे बोलते थे। तो कोई महात्मा के यहाँ तीनों लोग आते जाते रहते हैं, जिज्ञासु मुमुक्षु भी, सकामी भी, और कुछ ढोंगी भी जाते रहते हैं बीच बीच में। हनुमान जी ने कहा इतने लोग आते जाते हैं, मुमुक्षु भी जा रहे हैं, यहाँ जरूर पानी होगा। ऊपर उठाया लोगों को, बोले मुझे लगता है कि यहाँ इतना पक्षी आते जाते हैं तो यहाँ पानी जरूर होगा, चलना चाहिए अंदर। अंगद जी ने कहा देखो इतिहास से सीखना चाहिए, हमारे बाप गए थे अंदर गुफा में, बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो मैं तो जाऊंगा नहीं। दूसरी ओर देखा हनुमान जी ने, प्यास सबको लगी थी, घुसने को कोई राजी नहीं, तो पहले हनुमान जी पीछे चल रहे थे 5-6 तने, लेकिन जब कोई आगे चलने को राजी न हो, ध्यान देना ये भी एक आग्रह नहीं दुराग्रह है कि मैं तो पीछे ही चलूंगा। कई बार मैं देखता हूं सामाजिक संगठनों में कार्यकर्ता लोग बोलते हैं आप आगे चलो, हमें तो है ना, आप आगे चलो, हम आपका सहयोग करेंगे।
लेकिन जरूरत है आपके आगे चलने की। ना 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 ना, आगे आप चलो। ये पलायन वृत्ति है, आदमी कहीं न कहीं सेवा में समर्पित अभी हुआ नहीं, सब प्रकार करियों सेवकाई वाली वृत्ति आई नहीं। आगे पीछे क्या होता है, जब आगे चलने वाले लोग हैं आप पीछे चल लो, लेकिन जहां सच में आगे चलने की जरूरत है वहां मुझे आगे चलने में क्या दिक्कत है, वाई नॉट, इसमें संकोच क्या है। हनुमान जी महाराज ने छोड़ दिया आग्रह, भगवान का सेवक किसी तरह का आग्रह नहीं लेके चल सकता कि मैं पीछे ही चलूंगा या मैं आगे ही चलूंगा, अगर मुझे आगे नहीं रखोगे तो मैं छोड़ दूंगा। ओके, कुछ वैरायटी ये है, और एक वैरायटी ये है कि ना ना ना, मैं पीछे ही रहूंगा। तो भगवान का काम प्रमुख है कि आगे रहना प्रमुख है या पीछे रहना प्रमुख है, काम की प्रमुख क्या है। श्री हनुमान जी महाराज ये सब आग्रह में फंसते नहीं। यहां लिखा आगे कई हनुमंतें लीना, पीछे चल रहे थे ना, अब आगे आए। जब सब लोग इधर उधर हो रहे हों तब हनुमान जी महाराज बोले लाओ मैं करता हूं, मैं लीड करता हूं। व्हाट इज देयर, काम तो है प्रभु का, पीछे होने से अगर सिद्ध होता है तो पीछे रह लेंगे और आगे होने से सिद्ध होता है तो आगे रह लेंगे, उसमें क्या है। नहीं, आगे रहना पीछे रहना वो महत्वपूर्ण हो गया और भगवान का काम गौण हो गया। सेवा में ये गलतियां होती हैं। एनीवे, सो हनुमान जी महाराज आगे चले। आगे कई हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबन कीन्हा, और वहां जब गए तो एक सिद्ध तपस्विनी मिली उनको, उनका नाम था स्वयं प्रभा। देखो जब भीतर का साधक निराशा से जूझ रहा हो तो किसी संत से मिलना चाहिए, वही हमारे भीतर के साधक को फिर से उज्जीवित करता है। उसी में ये सामर्थ्य होती है कि वो भरोसा दिलावे कि नहीं नहीं निराश होने की क्या बात है, समय लग सकता है लेकिन ये मार्ग सही है। स्वयं प्रभा ने कहा फल खाओ पानी पियो, पहिहौ सीतहिं, ये देखो वो स्वयं प्रभा ही बोल सकती हैं, साफ बोलती हैं, आंख बंद करो, विवर तज जाहो, अपनी सामर्थ्य से उनको उस जगह से उठा के फेंक दिया समुद्र के तट पर, उसके पहले भरोसा दिलाया चिंता मत करो। लिखते हैं मूदहु नयन विवर तज जाहु पहिहौ सीतहिं जनि पछिताहु। श्योर, सर्टेन है कि जिस लक्ष्य को लेके आप चले हो वो आपको मिलेगा, भरोसा करो। और भरोसा ये करो कि भगवान ने तुम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए मुझे यहां बैठा रखा था, अब मैं जाती हूं। ये सोई पुनि गई जहां रघुनाथा, चली गई। इन लोगों ने आंख बंद करी, महाराज बानर की जात कितनी देर तक बंद कर सकते हैं आप समझते हो ना। हाँ, जैसे ही आंख बंद करी खोला समुद्र के किनारे, हनुमान जी ने बंद करी वो तो शिवांश है, तो आंख बंद करी तो बंद है। अब वहां पहुंचे महाराज समुद्र के तट पर, तो आगे तो फिर भी कुछ चलने वलने को था, अब पता चला कि आगे कुछ भी नहीं है चलने को, रास्ता ही नहीं है। अंगद ने कहा अब तो मरे हम लोग, अब यहां एक महीने से ज्यादा हो गया है, अगर बिना सुधी लिए जाएं तो वहां सुग्रीव मारेगा और यहां कोई आगे रास्ता नहीं है। अंगद बेचारे बड़े परेशान हुए, रोने से लग गए, अगुआ थे नायक थे। जामन जी ने ढांढस बधाई,
चटाई बिछा करके एक संकल्प तय हुआ कि अब सीता को लिए बिना, सुधी लिए बिना वापस तो हम अब नहीं जाएंगे। आमरण अनुशंसा कर दिया, मरने के लिए बैठे थे लोग। उसी समय संपाति आता है और जब देखा कि सचमुच में शायद मरने वाली बात आ गई तो डर गए सारे। आदमी मरने के लिए बैठता है और जब मरने की असली बारी आती है भाग खड़ा होता है। देखो संपाति आते हैं और जब उन्होंने कहा कि आज तो बहुत दिनों बाद हमको इकट्ठे ही भोजन मिला, ये नहीं कि संपाति कोई उनके ऊपर आक्रमण करके मार के खाएंगे, नहीं, गिद्ध तो मरे हुए को खाता है। तो अब उसने सुन लिया था कि ये लोग मरने के लिए बैठे हैं, तो उसने कहा कि बाप लोग मरो तो फिर हम भी शुरू करें। और अंगद जी को लगा कि तो बड़ा अशुभ है, बताओ सामने गिद्धा के बैठ गया। आप जरा सोचो, ये हमारे ना शहरों में कहीं आमरण अनशन पर लोग बैठते हैं, उनके सामने दो चार गिद्ध ला के रखो। ये तो बैनर वैनर लगा के, और हमारे मीडिया बंधु लोग भी पहुंच जाते हैं, नहीं तो तभी वो खुश रहते हैं, नहीं तो महाराज अगर कहीं दो चार टेघरते हुए संपाति आ जाए उनकी हालत खराब हो जाएगी, भाग खड़े होंगे सब। ओहो, तो संपाति प्रतीक्षा कर रहा है। इस बीच में किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मरेंगे, आखिर जटायु भी भगवान के काम में मरा था। तो तर गया, भगवान ने खुद अपने हाथ से उसका संस्कार किया। संपाति ने कहा, क्या कहा जटायु, क्या जानते उसके बारे में? तब जब बताया इन लोगों ने सारी कथा, अच्छा जटायु नहीं, जलांजलि। बोले हमको ले चलो समुद्र में, मैं जलांजलि दूं। जलांजलि दी, उसकी बुद्धि फिर, उसने कहा मरो और मत, मैं देखूं। जानकी जी को तो मैं देख रहा हूँ, अशोक वाटिका में बैठी हैं। मैं देखूं तुम ना ही, गीधें दृष्टि अपार। अब तो तुम लोग जो है ना प्रयास करके वहां जाओ। जिस संपाति से मरण का भय था, अशुभ समझते थे, उसी संपाति से इन लोगों को मार्ग मिल गया। अब शुरू हुए लोग बताना कि मैं तो 20 फीट कूद सकता हूँ। कितना है? बोले 400 योजन। बता क्या रहे हैं 20 फीट, किसी ने कहा 50 फीट। अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। नारायण, उस समय जामवन जी इतिहास की तरह बोले, अब क्या बताऊं। देखो ये भी एक मनोवृत्ति होती है, हमेशा पीछे जाती है कि मेरा भी एक जमाना था जब मेरी जवानी थी, अब उसका कोई लाभ यहाँ होना नहीं है, कोई लाभ नहीं होना है। लेकिन बोलना है जामवन जी को, जामवन जी आखिर प्रतिनिधित्व करते हैं। बोले मैं जब जब, आपको मालूम है वामन भगवान ने जब विराट रूप लिया था तब मैं उस समय जवान था, और उस समय मैंने 7 बार परिक्रमा की थी 2.5 घड़ी में। ये समुद्र में क्या रखा है? बोले महाराज तो जाओ। बोले जवानी की बात कर रहा था ना मैं। अंगद जी बड़े परेशान, बोले संशय है लौटते समय। जामवन जी ने संभाला उनको, बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे युवराज हो, नायक हो, आपको थोड़ो भेजेंगे। तब वो मुड़े हमारे हनुमान जी की तरफ, बोलते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कहे रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। चुप साध रहा, वो मैंने कहा ना वो शिवांश है, स्वयं प्रभा ने कहा था आंख बंद करो, तब से बंद है उनकी, वो अपना ध्यान में थे, क्या हुआ बीच में पता ही नहीं।
जब जामवन जी ने कहा चुपचाप क्यों बैठे हो, आंख खोली, क्या मसला है? अरे बोले समुद्र लांघना है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयउ पर्वता, जैसे ही सुनाए पर्वताकार हो गए। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागौ जलनिधि खारा। हनुमान जी महाराज आज अपने पूरे आवेश में हैं, बोलते हैं मैं लंका को इस पार ले आऊं क्या? रावण को मार के उसको वहीं डुबा दूं, जानकी जी को ले आऊं, क्या करूं मैं? बोलते हैं सहित सहाय राव नहीं मारी, आनव यहां त्रिकूट उपारी। करने को मैं सब कर सकता हूं, लेकिन हनुमान जी परम विवेकी। आदमी सब कुछ कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब करना चाहिए, ना ना ना, करना वही चाहिए जो करना चाहिए। सो जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही, क्या करना है मुझको बताओ। जामवंत जी ने कहा इतना करहु, स्पेसिफिक काम दिया है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई। जाओ सीता जी को देखना, किसी के कहने से वापस मत चले आना। ऐसे कहने से वापस आना था तो संपाति ने तो बता ही दिया था, कहने से नहीं, सीत ही देखी कहो सुधी आई। फिर भगवान जाएंगे, यश का विस्तार करेंगे, लोग उसको गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और भवसागर पार करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा, अधिक सुनियतास गुण ग्राम, जा सुनाम अघ खग बलिक। इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्तः, किष्किंधा कांड समाप्तः। सुंदर कांड में हम संध्या काल में प्रवेश करेंगे। ओम तत्सत। आरती की जाए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः इसलिए मारा नहीं मैंने, अब माला पहन के जाओ, थोड़ी चिनारी रहेगी। भगवान ने उसको बल दिया, माला पहनाई, आशीर्वाद दिया, इसके बावजूद
बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय माने। हृदय में हार गया और डर गया सुग्रीव, तब भगवान ने बाण मारा। जब बाली ने पूछा मुझे आपने क्यों मारा, मैंने सुन रखा था बचपन से कि आप समदर्शी हो, तो मैं बैरी हैं? आगे सुग्रीव प्यारा, ये कहां की समदर्शिता है? भगवान ने कहा तुमने जिससे सुना था उससे पूछो जा करके। मैंने थोड़ो ऐसा बोला था, मैंने तो कहा था कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन जो सेवक है वो मेरा प्रिय है, मैंने तो पहले बोला हुआ था। नारायण बाली को समझाया उसने, बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, ये दूसरी बार आया, तुम मूर्ख हो, अभिमान तो मूर्खता से ही आता है। अभिमानी होने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये है कि वन शुड बी फर्स्ट क्लास फूल, एक नंबर का कोई मूर्ख होना चाहिए तभी अभिमान होगा। अगर ये योग्यता उसमें नहीं है तो वो बढ़िया वाला अभिमान नहीं हो सकता। तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस सिखावन धरे सिने काना। तारा तुमको समझा रही थी तो तुमको समझ में नहीं आया, दो बार अभिमान शब्द आया ना, अब तीसरी बार बोले मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। जब मैंने माला पहना के भेजा तब तो कम से कम तुमको लगना चाहिए था कि ये उनके आश्रय में है, इसके बाद भी तुम उसको मारना चाहते थे। बाली ने कहा महाराज अब अंत काल में आप सामने हो तो प्रभु अजहूं मैं पापी। भगवान बदले एकदम से, बोले ये तो बदल गया, तो ये बदल गया तो मैं भी बदल गया, उसमें क्या है। बोले अच्छा जीना चाहते हो बताओ। बोले महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सोई आवा। वो मेरे सामने खड़ा है और फिर मैं जीना चाहूँ, मैं इतना बड़ा मूर्ख तो नहीं हूँ, हूँ तो सही लेकिन इतना बड़ा मूर्ख थोड़ो हूँ मैं। बाली का उद्धार कर दिया, गति दी अपनी, निज धाम पठावा, वैकुंठ गया है बाली। और भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बना दिया। यहाँ सुग्रीव के उद्धार की जो प्रक्रिया है पूरी हुई। कल हमने एक चर्चा छेड़ी थी आध्यात्मिक, तो अब आपका ध्यान ज़्यादा चाहिए, कथा आपके पूरी तरह से सामने है। हमने ये कहा था कि एक ही अहम में दो पक्ष होते हैं, एक है अभिमानी अहम और एक है साधक अहम। बाली को तीन बार कहा गया अभिमानी अभिमानी अभिमानी, और सुग्रीव को श्री हनुमान जी बोलते हैं दास, और बाद में उसने सिद्ध किया आगे भी और यहां भी। जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव ने साफ साफ शब्दों में कहा सब प्रकार करिहौं सेवकाई, ये समर्पण है। सब प्रकार का मतलब जो भी हमारे पास साधन है, तन धन जन बल सब आप में लगा दूंगा। तो एक साधक वृत्ति है और एक अभिमान वृत्ति है। संक्षेप में ही देखना पड़ेगा, अभिमान वृत्ति के सहयोगी वृत्तियां हैं कर्ता भाव, भोक्ता भाव, और कर्ता भाव के कारण कर्म, और भोक्ता भाव के कारण आसक्ति। अभिमान के साथ ये चार पांच चीजें लगी रहती हैं।
तो जब हम अभिमान शब्द बोलते हैं तो इन बाकियों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, आसक्ति का, कर्म का। तो जीव के पीछे आसक्ति लगी रहती है, जीव के पीछे कर्म लगा रहता है, जीव के पीछे विकार लगे रहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि अभिमान साधक के पीछे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अभिमान जनित जो विकार है, आसक्ति है, कर्ता भाव है, कर्म है, वो सब साधक के पीछे लगे रहते हैं। और हर जगह उसको चैन नहीं लेने देते। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर विश्राम करता है। यहां साप बस आवत नहीं, यहां पर वो आता नहीं। कल हमने निवेदन किया था, ऋषिमुख पर्वत क्या है? सत्संग है। बाली को एक वरदान मिला था, बाली तो इंद्र का अंश है, तो जब उसको कहा गया कि किष्किंधा में जाओ और राम जी की मदद करना है बाद में, तो उसने कहा, महाराज मैं इंद्रलोक में सुरक्षित नहीं हूं, आप कहां लंका के पड़ोस में भेज रहे हो मुझको? रावण को देर सवेर पता तो चली जाएगा कि मैं आया हूं यहां, तो वो आप सोचो मेरी क्या हालत होगी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारे सामने जो आएगा उसका आधा बल तुम्हारे पास चला आएगा, तो हमेशा ही वो तुमसे कमजोर साबित होगा। यह आपने कथा पढ़ी है। तो बाली को ये वरदान है और इस बात को लेके उसको बहुत अभिमान भी है, ठीक भी है। ये क्या है, ये आधा बल सामने खींच लेने वाला क्या मसला है? इसको बोलते हैं आसक्ति की प्रकृति है ये। अगर कोई चाहता है कि अभिमान में आसक्ति छिपी हुई है, वो ध्यान रखना, विकार अभिमान में विकार छिपे हुए हैं, तो विकारों का स्वभाव यह है, आसक्ति का स्वभाव यह है कि अगर उसका कोई सामना सामने से करना चाहता है तो उसको हारना पड़ेगा। कोई व्यसनी, मान लो कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति है और ये कहे कि मदिरा सामने रख करके और मैं दिखाऊंगा कि मैं पीता नहीं, तो फिर बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई। क्यों? वो सामने उसकी कमजोरी है, तो उसके संयम का जो आधा बल है ना, वो उसी समय चला जाता है उधर, जब तक तो हमारी कमजोरी हमारे सामने नहीं है तब तक संभव है आप बलवान हो, संभव है आपका संयम हो, लेकिन कमजोरी सामने आ गई तो अनुभव यही कहता है कि कितना भी संयम का बल इकट्ठा हुआ हो, पता चला कि आधा बल तो गया उधर, एंड देन यू फाइंड सडनली योरसेल्फ वीक एंड देन यू आर डिफीटेड। सो आसक्ति का बध करने के लिए उसको पीछे से ही मारना चाहिए। एक सूत्र दिया प्रभु ने, सामने जाके मारने की जो पहलवानी है ना वो छोड़ देनी चाहिए। एक सिंपल चाय नहीं छूटती महाराज, देखो और की बात क्या करते हो। बोले ये तो पलायन हो गया तो तुम मारो सिर दीवाल में, हम पलायन ही सही। भगवान ने इसलिए कृष्णावतार में एक रणछोड़ लीला की, हर जगह सिर तोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां विमुख होने से, पलायन करने से
विजय मिलती हो वहां भी सिर मारना जरूरी है क्या? ये तो मूर्खता है। तो भगवान ने बाली का वध किया। आप देखो उसने सूत्र ऐसा मानते हैं संत लोग कि अभिमान वृत्ति, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, आसक्ति, विकार, ये अपने विषय के साथ दुगने हो जाते हैं। पीछे रहो आप तो फिर ठीक रहता है मसला। वाह, अच्छा। अब ये साधक वृत्ति का हाल क्या है? साधक अहम का कि सत्संग में आने पर भी निर्भय नहीं हो सकता, और भयभीत अगर है तो सबसे डरता है, इंक्लूडिंग भगवान से। अरे आपको क्या बताऊं, भगवान से डर तो इतना लोगों को लगता है, कम्युनिस्टों ने यहां कह दिया, यहां तक कह दिया कि मनुष्य के भीतर की जो भय की भावना है उसी के कारण वो ईश्वर जैसी किसी चीज की कल्पना करता है। लो, माने ईश्वर भय की अभिव्यक्ति हो गया। तो मीरा जो है वो ईश्वर से भयभीत थी, उनसे पूछना चाहिए तुलसी ईश्वर से भयभीत थे, सूरदास जी भयभीत थे, वल्लभाचार्य जी भयभीत थे, भगवान शंकराचार्य मूर्ख आदिराज। भय से ईश्वर की भक्ति होती है, लेकिन किसी स्टेज पर हम लोगों के भीतर वो भय रहता है। जब आदमी पूजा करता है ना, तो उसके पूजा घर में चार पांच लोग तो आ ही जाते हैं, भगवान के रूप चार पांच मूर्तियां आ गई। अब जब वो अगरबत्ती घुमाता है तो सोचता है कि उनकी तरफ तो मैंने एक ही बार घुमाया, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे वो। मेरे ख्याल से मैंने उंगली रख दी है जहां रखना चाहिए। हाँ, तो आदमी जो है उसको लगता है कि मैंने दीपक दिखाया तो एक जगह एक बार दिखाया, दूसरी जगह तीन बार दिखाया, तो कहीं उनको भगवान को बड़ा मजा आता है इसको देख के, मुस्कराते हैं कि ऐसे तो हमको नहीं मानता, लेकिन जब डर लगता है तब लगता है कि है ना, हम लोग जीवित खड़े हैं यहाँ पर, हम नाराज भी हो सकते हैं। वो कहते हैं एक आदमी गणेश जी पर बहुत नाराज हुआ, बहुत ही नाराज हो गया, इतने दिनों से पूजा करते करते फल नहीं मिला, तो उसने कहा अब तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की करूंगा पूजा। तो शिव जी की शुरू करी और उन्होंने गणेश जी को एक कोने में रखा। अब जब शिव जी की पूजा आरंभ करी तो अगरबत्ती जलाया, उसने कहा अब इसकी सुगंध तो आ जाएगी और मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। तो उस दिन महाराज उनकी नाक में सूंड में उसने रुई ठूंसी, उसने कहा नथिंग डूइंग, हम देने वाले नहीं हैं। तो उस दिन शिव जी भी हंस पड़े, गणेश जी भी हंस पड़े, बोले आज हंसते हो, इतने दिन पूजा करी तो कुछ बोला नहीं। अरे बोले भगत जी, आज पहली बार तुम्हारे मन में आया कि हम सूंघ सकते हैं, उसके पहले तो तुम हमें पत्थर ही समझ। बहरहाल भय लगता है भगवान से, सुग्रीव की यह हालत है, और भगवान आश्वासन देते हैं तो शंका करता है, श्रद्धा की कमी है। हम सब करते हैं, भरोसा करते हुए भी नहीं करते। इस अश्रद्धा से, इस शिथिल भरोसा से निकलने का रास्ता क्या है? सुग्रीव ने लीला करके बताया, परीक्षा करो, टेस्ट हिम, भगवान की परीक्षा करो, देखो आपके जीवन में वो खरा उतरता है कि नहीं, और उतरता है। जब हमारे जीवन में बार बार उसकी कृपा दिखती है तब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति,
लेकिन इसके बावजूद कहते हैं अपनी लड़ाई लड़नी ही है। अभिमान वृत्ति का जब तक नाश न हो जाए, उन्मूलन न हो जाए, कौन करेगा नाश? बोले नाश करने का प्रयास तो मुझे ही करना पड़ेगा, प्रयास तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उससे परेशान हूं। तो भगवान का सहारा लेकर के, उनकी प्रेरणा लेकर के, अभिमान वृत्ति का, आसक्ति का, विकारों का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का नाश तो करना होगा। प्रयास तो आदमी करता है, लेकिन एक आध्यात्मिक सच्चाई यहां ये उजागर हुई कि सारा छल बल करने के बावजूद ही हारा, ये ही भीतर अनुभूति होती है कि मेरे करने से तो ये बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तब जब अपने बल का, अपने साधन का, अपने प्रयास का भरोसा टूटता है, वो बिंदु आना चाहिए। बिना प्रयास किए नहीं, प्रयास करने के बाद, तब वध करते हैं भगवान। वध कोई जीव नहीं कर सकता, वध करेंगे भगवान, प्रयास हम करेंगे क्योंकि हम परेशान हैं। और पूरा प्रयास करने पर इस बिंदु पर हमारा अनुभव पहुंचना चाहिए, पहुंचता ही है कि हमारे प्रयास करने से ये सब चीजें जाती दिखाई नहीं देती। बाद में सुग्रीव बोलता है, यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो ये सुग्रीव की शरणागति है। समय के अनुसार मैंने संक्षेप में आपके सामने निवेदन किया, एक गरीब की शरणागति है, जिसके चित्त में तरह तरह के विकार हैं, कमजोरियां हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से उसकी मिताई हो गई भगवान के साथ, और उसने कहा कि मैं हर तरह से आपकी सेवा करूंगा। दिस सबमिशन हैज टू टेक प्लेस। ये शरणागति तो इतनी तो आनी ही पड़ेगी कि मैं आपकी सेवा में हूं। ये और फिर यात्रा आगे बढ़ती है धीरे 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 धीरे। अच्छा भाई, सुग्रीव को राज मिल गया, अब कथा आगे बढ़ती है। और भगवान गए प्रवर्षण पर्वत पर, और वहाँ वर्षा ऋतु, नाम ही था प्रवर्षण पर्वत, बहुत वर्षा होती थी जोर से। और सुग्रीव महाराज जो हैं, वो इतने दिनों से जो तो कंगाली में पिटे हुए थे, जब सुख मिला तो जरा डूब गए। और कैसा गरीब है ये, इसी को तो गरीबी बोलते हैं, भगवान को भूल गया महाराज। ऐसा डूबा, 4 महीने बीत गए भगवान को प्रवर्षण पर्वत पर रहते हुए। भगवान के मुंह से निकलता है, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। कोई नई बात थोड़ो, सारे जीवों का यही हाल है। भगवान नहीं भूलते, मानोगे ना? भगवान नहीं भूलते, हम ही लोग बार बार भूलते हैं। और भगवान लक्ष्मण जी से ऊपर बोलते होंगे कि सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी, इसको मैंने राज दे दिया, सुख दे दिया, सब दे दिया, और ये मुझे ही भूल गया। भगवान बोलते होंगे, हम सोचते हैं केवल सुग्रीव के लिए बोल रहे हैं, अरे हम सबके साथ वही होता रहता है। नारायण, इधर भगवान बरसात में बड़ी सुंदर
एक बार भी चिंता नहीं करते कि बड़ी बरसात है। लक्ष्मण जी को समझाते रहते हैं एक पर एक कोई चीज़। वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है। एक दो पंक्तियां मैं देखता हूँ। बोले, दामिनी दमक रही घन माही, खलकई प्रीति जथा थिर नाही। एक स्फटिक शिला पे भगवान बैठे लक्ष्मण जी के साथ, दिखाते हैं दृश्य को। बोले, लक्ष्मण देखो, बिजली चमकती है, एकदम प्रकाश होता है और इसके बाद बिजली लुप्त हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे दुष्ट लोग जब मित्रता करते हैं तो बड़ी जोर से मित्रता करते हैं और फिर टूटते देर नहीं लगती। खलके प्रीति जथा थिर नाही, ये बिजली के चमकने जैसा है। बोले, देखो, ये बादल नीचे आ करके बरसते हैं, जैसे विद्वान लोगों को जब विद्या प्राप्त होती है तो वो नम्र हो जाते हैं। देखो, जब बादल पर्वत पर बरसते हैं तो पर्वत धुल जाता है, पर्वत को चोट नहीं लगती। ऐसे संत लोग लोगों के वचन से अपना परिष्कार कर लेते हैं, चोट नहीं लगती उनको। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। सुबह सुबह भगवान को सुनाई पड़ा, मेढक टर टर बोल रहे थे सारे इकट्ठे हो करके। मेरे ख्याल से 10,000 मेढक बोल रहे होंगे, और क्या, जब बोलना ही है तो थोड़ा बहुत क्यों का। चारों तरफ से आवाज आ रही थी टर टर, तो भगवान को लगा कि सांदीपनी हिमालय में वेद पाठ हो रहा है। दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़े जिमी बटु समुदायी। पता नहीं ये प्रशंसा की उन्होंने या कठोर टिप्पणी की है। तो वेद पाठ का आनंद आता है भगवान को। वाह, बोलते हैं, देखो, आज धरती सस्य सामला हो गई, शशि संपन्न सोह मही कैसे। शशि माने फसल से, शशि माने चंद्रमा, मत कर लेना भाई, गड़बड़ न करना। शशि संपन्न सोह मही कैसी, सस्य सामला, जो धरती है वो पूरी तरह से फसलों से, हरियाली से बिल्कुल लदर फदर हो गई है, ये कैसा लगता है। बोले, जैसे कोई उपकारी हो ना, उसकी संपत्ति बड़ी सुंदर लगती है। दुष्ट आदमी की संपत्ति भी अच्छी नहीं लगती। नारायण, पृथ्वी जैसा उपकारी कौन होगा, और वो जब संपन्न होती है तो बड़ी सुंदर लगती है। लिखते हैं, चारों तरफ घास 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 हो गई है, और जो पगडंडियां हैं वो सब के सब ढक गई, रास्ते ढक गए। बोले, इसी तरह से पाखंड से बहुत सारे पंथ निकलते रहते हैं रोज। जिमी पाखंड बांधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ, जो सनातन ग्रंथ हैं वो छिप जाते हैं। बरसात बीत गई, चातुर्मास पूरा हो गया, तो हमारा जो सन्यासी समाज है वो चातुर्मास में एक जगह रहता है, और जो व्यापारी समाज था पहले वो भी 4 महीने एक जगह रहता था, क्योंकि उनको तो यात्रा कैसे करें। तो हाँ, लिखा है, जहाँ तह रहे पथिक थक नाना। बहुत पंक्ति अच्छी है, जहाँ तह रहे पथिक थक नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां थकित रह जाती हैं, ऐसे बरसात में सब लोग वहीं के वहीं टिके हुए हैं। शरद ऋतु आई, भगवान कहते हैं, देखो, पानी साफ हो गया, और ये जो
काई है और ऊपर का जो कचरा है वो धीरे धीरे सूख रहा है, रास्ते का जो पांच कीचड़ है वो सूख रहा है। जैसे कोई साधक धीरे धीरे ममता का त्याग करता है। यहाँ ये बताया कि जो भीतर हमारे ममता है, मोह है ना, वो अचानक नहीं छोड़ी जाती, धीरे धीरे कम हो जाती है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जिमि ज्ञानी। 16वें दोहे पर हम हैं, सुखी मीन जहां नीरा गाधा, जहां तो पानी खूब है वहां मछलियां बड़ी सुखी हैं, लेकिन जहां पानी कम है बरसात बीत जाने पर मछलियां बहुत परेशान होती हैं। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना, सर्दी आई तो बोलते हैं लगता है भगवान को मच्छरों ने काटा होगा जरूर। तो ये 17वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है, मसक दंस बीते हिमत्रासा, बोले ये मच्छरों का जो दंस था वो बीते, सर्दी आने की वजह से वो चले गए। जैसे जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, नारायण। ऋतुओं का वर्णन होने के बाद भगवान को लगा कि अब तो खोज होनी चाहिए जानकी जी की। आइए पढ़ते हैं 17वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं ये। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, वर्षागत निर्मल, बरखागत निर्मल ऋतु आई, सुधिनतात सीता के पाई, सुदिन तात सीता के पाई, एक बार कैसे हूँ सुधी जानी, एक बार कैसे हूँ सुधी जानूं, काल हुजीति निमिष जतन करिया न सोई, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पोषपुर नारी जहि सायक मराम बाली, तेहि सरहत काली,
जास प्रपाछु तही मद मोहा, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण धनुष चढ़ाई गहे कर रघुपति करुणा सीव भय दिखाई ले चंद्र की जय पवन स
जानकी जी को एक बार कैसे सुधी जानो कालव जीत निमिष महु आनो। बोले एक बार किसी भी तरह से जानकी जी कहाँ हैं ये पता लगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता, काल को भी जीत करके तो क्षण में ले आऊंगा, ऐसा बोलते हैं भगवान। भक्तवत्सल है, कतहु रहूं ज्यों जीवति होई, कहीं भी हो अगर वो जीवित हैं तो जतन करके उनको आना है। ये सुग्रीव को क्या हो गया? सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, बोलता था मैं सब प्रकार करिहों सेवकाई, भूल गया। मुझे लगता है उसको उसी बाण से मारना पड़ेगा, उसको याद नहीं है कि मेरे बाण तो वापस लौट आते हैं, मेरे बाण ऐसे नहीं कि गए तो गए ना, वो बाली वाला बाण तो मेरे तरकस में है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बड़े भाई को आपने तो छोटे भाई को फिर हमारी बारी होगी। अरे बोले नहीं नहीं लक्ष्मण जी, भय दिखाई लय आजहू तात सखा सुग्रीव, आप केवल भय दिखा के ले आओ। एक बार मैंने सखा बोल दिया उसको, यही भगवान का है। बीज रामायण की पंक्ति याद है, जही करुणा करी कीन न कोहू, उनका स्वभाव है। एक बार मित्र कह दिया इसके बाद नहीं, तो तात सखा रघुवीर, अरे उसको मैंने सखा बनाया है, केवल डराओ जरा उसको। तो कभी कभी भय भी उपाय के रूप में काम में आ जाता है। यहाँ जैसे ही शरद ऋतु आई, हनुमान जी गए सुग्रीव के पास, वो तो विलास में बिल्कुल डूबा हुआ था। बोले महाराज आपने कुछ वादा किया था, कौन सा वादा? अरे बोले वो अग्नि के सामने गुरु गुरु जो है ना वो शिष्य को जगाना उनका काम है, क्या करें, जगाते रहते हैं, तो उसको जगाया जाके भूल गया था वो तो वादा। बोले आपने कहा था सब प्रकार करिहों सेवकाई और यहाँ सब प्रकार आप कुछ और कर रहे हो। तो सुग्रीव को अचानक याद आई, बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गई, 3 महीना बीत गया, अब तक तो कुछ काम हो जाना चाहिए था, हमने कुछ सोचा ही नहीं। हनुमान जी कहीं ये तो नाराज तो नहीं होंगे भगवान? बोले हम कह नहीं सकते, नाराज भी हो सकते हैं, उसमें अब क्या बोल सकते हैं, लक्ष्मण जी तो बहुत ही तेज हैं सुना है मैंने। तो ऐसा करो हनुमान जी, दूतों को ना जो हमारे सामंत हैं जगह जगह पर, बानरों के जो छोटे छोटे राजा हैं सामंत लोग हैं, उनको बुलाने के लिए भेजो, बैक डेट में काम करो। ये महाराज मेरे ख्याल से पहला ही दिन होगा हिस्ट्री में लिखा। बोले अब मारुत सुत दूत समूहा पठवो, जल्दी से जल्दी भेज दो कि लक्ष्मण जी आए तो हमें ये कहने का कुछ मौका रहना चाहिए कि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, ऐसा थोड़ो है, प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, तो एकदम जल्दी करो। डरता है आदमी तो फिर थोड़ा डर होना भी चाहिए। तब हनुमंत बुलाए दूता, सबको बुलाया है, सबको समझाया, नीति प्रीति थोड़ा भय सब दिखाया और भेज दिया। अभी ये सब गए ही थे तब तक महाराज लक्ष्मण जी आए क्रोधवंत।
यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी, देखा बड़े गुस्से में है, तो बानर तो इधर उधर भाग गए, सड़क खाली हो गई। सुग्रीव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा रिसेप्शन में, बिल्कुल नहीं। अंगद आप युवराज हो, आप जाओ। और महाराज तारा को भेज दिया आगे, सोचो आप। तो फिर तो ऐसा मजेदार आदमी है, इसलिए गरीब कहा भगवान ने उसको, सुग्रीव को गोस्वामी जी ने इसलिए गरीब कहा। ले आए लोग उसको, पलंग पर बैठाया। लिखते हैं तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, चरण पखारी पलंग बैठाए। कभी कभी संत लोग विनोद में बोलते हैं कि जब वो पलंग पे बैठाया ना लक्ष्मण जी को, तो उसी पलंग के नीचे से निकल आया वो सुग्रीव। प्रणाम करता हूं प्रभु। बोले तू कहां था? बोले हम आपके चरणों में थे, आपने देखा नहीं, हम तो वहीं नीचे, हमारी जगह ही वहीं है, हम तो हमेशा से। लक्ष्मण जी का सारा क्रोध रफू चक्कर, बोले मैं चलो महाराज भगवान से जाके माफी मांगेंगे। जब लाया गया उसको, भगवान ने देखा आ गया ये शरणागत वत्सल है ना, देखा भगवान में कोई खास क्रोध दिखता नहीं है, तो भगवान पर ही आरोप लगाया उसने, बड़ा मधुर आरोप लगाया। बोले महाराज सच बात बताता हूँ, क्या मेरा कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है, आपने अपनी माया को दुनिया में छोड़ रखा है सबको फंसाने के लिए, उसको बांध के क्यों नहीं रखते? सबको परेशान कर रखा है, अब मैं भी उसमें फंस गया तो अब मैं क्या करूं? नाथ मोहि कछु नाहीन खोरी, अतिशय प्रबल देवतव माया। और वो कोई छोटी मोटी नहीं, कोई जीत नहीं पाता उसके साथ। कबीर दास जी ने कह दिया सबके लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लिए कह दिया, माया महाठगनी अमजानी, शंभुगर भई भवानी, इत्यादि इत्यादि गाया। तो अब इतनी जबरदस्त माया क्यों छोड़ रखी है दुनिया में? संतों से हमने सुना यही है कि छूटे ही राम करो जो दाया। ये पूरी दुनिया विश्व विषय वश्य है, ऐसा कौन है जिसको लोभ ने नहीं सताया, काम ने नहीं सताया, क्रोध ने नहीं सताया, अभिमान ने नहीं सताया? अगर ऐसा कोई है तो आपके बराबर ही है। बहुत बढ़िया, सुग्रीव बोलता है यह गुण साधन ते नहीं होई, ये निर्विकार जीवन प्राप्त कर लेना ये साधन से नहीं होता, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से किसी किसी को प्राप्त हो जाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, मुस्कराए वो, बोले तुमको तो मैंने डांटा नहीं और तुम पहले ही सफाई देने लग गए चोर की दाढ़ी में। तुम तो, मैं तो ये कहने लगा था कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। हाँ महाराज बिल्कुल, ऐसा उसको आश्वस्त किया, सांत्वना दी, और अब खोज की लीला आरंभ हुई। तब तक सारे दूत भी आ गए लौट के, सामंत लोग भी आ गए, और सुग्रीव ने सबका उद्बोधन किया है, ग्रुप बन गए, उत्तर दिशा में ये लोग जाएंगे, पूर्व दिशा में ये, पश्चिम दिशा में ये, चूंकि जटायु ने कहा था कि दक्षिण दिशा में गए हैं, सुग्रीव ने भी वो बताया था दक्षिण दिशा में रावण हरण करके ले गया है, उसने तो गहने वगैरह भी दिखाए थे, तो दक्षिण दिशा के लिए जो चुनाव हुआ उसमें हनुमान जी महाराज, जामवंत, अंगद, प्रधान प्रधान जो योद्धा हैं वानर दल के, वो लोग दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए चुने गए। क्रम से सब लोग भगवान से आशीर्वाद लेके चलते हैं,
बड़ी भीड़ है भगवान के सामने जाने के लिए, उतावली है, मैं आगे। तो हनुमान जी महाराज वहाँ पर पीछे रहते हैं। अब एक लीला हनुमान जी ने करी है, यात्रा करनी हो